पहले तो मैं फैसलाबाद गई थी और वहाँ पे एक हमारे करीबी जानने वाले डॉक्टर हैं, उन्होंने यही कहा कि आप का जो है ये ट्रीटमेंट अभी हम आपको और चेक करेंगे। देन दे डिड द बायोप्सी की और उसके बाद उन्होंने रेफर किया कि आपको शौकत खानम जाना है। 21 साल की उम्र में मेरे लिए एक बड़ा एक शॉक ऑफ लाइफ था कि अच्छा ये एक बहुत रेयर टाइप चीज़ जो है मुझे हो गई है। शुरू में ही बहुत डॉक्टर ने ये बता दिया था कि शायद अब आपके बच्चे ना हो सकें। ये ख्याल भी आता है कि पता नहीं अब हम शायद इस बीमारी से ख़त्म ही ना हो जाए। शौकत खानम के बारे में उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। इट्स लाइक मोर लाइक एन एक्सपीरियंस फॉर मी कि मतलब मैंने जो यहाँ पे रह के जो मुझे यहाँ पे ट्रीटमेंट मिला है जो कि एक बेस्ट हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट होता है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। डॉक्टर्स और स्टाफ का एटीट्यूड भी बहुत मैटर करता है। अगर मैं अपने केस में करूँ तो मेरी जो आधी बीमारी ख़त्म करने में मेरे डॉक्टर्स का भी हाथ है। यहाँ पे ट्रीटमेंट के ऊपर किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबको ट्रीटमेंट एक जैसा मिलता है। आई विल कंसिडर शौकत खानम द बेस्ट हॉस्पिटल। और अगर कराची में बनेगा तो ऑब्वियसली जो डिफरेंट एरियाज हैं वहाँ के जैसे बलूचिस्तान है सिंध का पूरा एरिया कवर होगा और इससे बहुत सारे जो पेशेंट हैं उनको अच्छी ऑप्शन मिलेगी शौकत खानम की फॉर्म में। जो लोग पैसे दे रहे हैं शौकत खानम को तो मेरा ख्याल है बिल्कुल सही जगह पर आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो सही लोगों का इलाज हो रहा है इससे। और ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप किसी का इलाज करवा रहे हैं।